कमालगंज रेलवे फाटक बंद करने के बाद लोगों ने किया हंगामा, लोगों ने किया चुनाव बहिष्कार का ऐलान। रेलवे मंत्रालय की ओर से जिले में कई फाटकों को बीते माह किया गया था बंद, लोगों ने किया हंगामा, कहा फाटक नहीं तो वोट भी नहीं, चाहे कोई भी नेता वोट मांगने आ जाए, पहले फाटक फिर वोट। लैन गांव गुमटी नंबर 140 को बंद कर दिया गया था, जिसकी वजह से अब यहां के बाशिंदों को लगभग 5 किलोमीटर को घूमकर अपने खेतों पर जाना पड़ता है। इस बात से नाराज़ रसूलपुर के बाशिंदे गांव में स्थित स्कूल में एकत्र हुए और कहा यदि गुमटी ना खोली गई तो वो लोग मतदान का बहिष्कार करेंगे। बताते चले कि थाना क्षेत्र के गांव रसूलपुर आदि का रास्ता गुमटी नंबर 140 लैन गांव से होकर था। बीते 4 माह पूर्व यहां पर लगे फाटक को बंद कर दिया गया। इन लोगों के खेत रेल की पटरी से दूसरी ओर हैं। पहले यहाँ लोग इस गुमटी से होकर सीधे निकल जाते थे, लेकिन अब जब से इस गुमटी को बंद किया गया है तब से लोग अपने खेतों के जाने के लिए लगभग 5 किलोमीटर दूर का सफ़र तय कर याकूतगंज गुमटी होते हुए खेतों पर जाना पड़ता है। इन सभी ने कहा है यदि गुमटी ना खोली गई तो वो लोग मतदान का बहिष्कार करेंगे। फरुखाबाद से अवनीश कुमार, लाइव अभी तक। ये कौन सा गांव पड़ता है? ये आप लोग ने आज बोर्डों का बहिष्कार किया है, किस वजह से कर रही हो आज? गुमटी बंद है। गुमटी बंद है, कितने दिनों से बंद है? 1 साल। 1 साल हो गई। आप गई थी किसी अधिकारी के पास या किसी जो इसमें सांसद हैं उनके पास गई थी आप? तो उन्होंने क्या कहा सांसद जी ने? क्या कहा सांसद जी ने? कुछ कहा आपसे? ये डीएम साहब जो इस समय मौजूद है इनको दी थी? हाँ, इन्हीं को। कुछ नहीं हुआ। तो आपके यहाँ जो भी प्रत्याशी आता है तो आप वोट का बहिष्कार कर रहे हैं? इससे आपको क्या फायदा मिलेगा वोट का बहिष्कार? कोई बात नहीं, मिले या ना मिले कोई बात नहीं। जो वर्तमान में सांसद जी हैं, ये कौन सा गांव पड़ता है, ये किस लिए वोटों का बहिष्कार किया जा रहा है? बहुत दिक्कत है, हम लोगों की सब जमीन जो है मौजा रसूल दिक्कत है, उसमें जो है 90% जमीन हमारी इस गेट के उस पार है। कौन सा गेट? ये 140 गेट लेंगे। अच्छा, 140 नंबर हो गया है वो। अच्छा, क्रॉसिंग वाला वो बंद हो गया है, इसकी वजह से आप इस गांव से? पहले हमको केवल आधा किलोमीटर पड़ता, अब हमको अपनी खेती करने के लिए कम से कम 5-6 किलोमीटर का चक्कर काट के हम यहाँ से अपने गांव से जाते हैं याकूतगंज, जो हमारे गांव से करीबन 3 किलोमीटर, फिर उसी के सारे सारे आते हैं अपने गांव के सामने, तो हमें 3 किलोमीटर ये पड़ जाते हैं, करीबन हमको 5 किलोमीटर से कम नहीं पड़ता। अपने रोकने का प्रयास किया? क्या अधिकारी क्या बोले? कुछ नहीं वाला।